जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। अच्छा, ये सूजी चावल काजू किशमिश खरीदने थे तो आप अकेले आ जाती? नैतिक, मैं कैसे? कितना सारा सामान है, अकेले कैसे खरीदूंगी? किसी को साथ में ले आती? किसको ले आती? सब तो नैतिक, अब सब कुछ हमें खुद ही करना होगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा। ठीक है, अब उन बातों को रहने दीजिए। उन्हें सोच के क्या फायदा? जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते। मैं हूं ना आपके साथ, घर की शॉपिंग अच्छे से करवा दूंगा। मुन्ना को घर के काम की खरीदारी करने से वैसे ही बहुत चिढ़ है। बचपन से ही जब भी मैं कहती थी साथ चल, मना कर देता था कि ये काम उससे नहीं होते। आज एक पल भी मन नहीं लगेगा उसका खरीदारी में। वैसे भी लड़कों का मन थोड़ी ना लगता है घर के कामों में। कहीं आज बहू को खाली हाथ ना आना पड़े। लगता है आज आपने सारा बाजार ही खरीद डाला। अरे अभी कहाँ नैतिक, अभी तो बहुत कुछ लेना बाकी है। चलिए अभी हम उधर चलते हैं, सब्जी ले लेते हैं। सब्जी? अरे मटका। मटकी? हाँ। अरे वाह, चलिए नैतिक मटका ले लेते हैं। आपको पता है इसका पानी बहुत अच्छा होता है। अक्षरा, एसी और फ्रिज के जमाने में आप मटके का पानी पियेंगी? नैतिक, दादी कहती है कि मटके का पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आज वैसे ही बहुत शॉपिंग हो चुकी है, फिर कभी लेंगे। चलिए नैतिक, मैं उठा लूंगी, कोई बात नहीं है। वो वाला दिखाइए। फिर कभी अक्षरा, मैं आते जाते ले लूंगा ना। नैतिक, इसे चुनना पड़ता है, मुझे दादी ने सिखाया है। वो भी मटके का पानी पीती है ना। और आपको पता है अभी गर्मी आने वाली है ना, हम भी मटके का ही पानी पियेंगे। और वो वाला आप अक्षरा फिर ले लेंगे ना, मैं कल ले लूंगा। चलिए चलिए। नैतिक ये क्या, मुझे तो आपके साथ शॉपिंग करने आना ही नहीं चाहिए था। हाँ प्लीज मत आइए, बड़ा एहसान होगा मुझे। अच्छा चलिए सब्जी तो ले लेते, रुकिए। अरे अच्छी ताजी सब्जी लग रही है, पकड़िए। ये टमाटर कितने की दिए? अक्षरा ये सब अभी लेना है, महाराज जी ले लेंगे ना। आप एक काम कीजिए, आधा किलो आलू दे दीजिए और पाव किलो गोभी भी दे दीजिए। आप खाएंगे? सब लोग मुझे देख के हंस रहे हैं। हंस नहीं रहे, चल रहे हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड्स इनकी शॉपिंग करने में मदद नहीं करते हैं इसलिए। एक घड़ी चौलाई भी दे दीजिए, लीजिए। और प्याज कितने की दी? 40 रुपए किलो। 40 रुपए? हाँ। इतना मत बोलिए, जो भाव है वही बोल रहा हूँ। अरे क्या भाई साहब, प्याज का भाव गिरे हुए एक महीना हो चुका है, भूख मचा रखी है क्या आपने? हाँ भाई साहब, कम तो करना ही पड़ेगा। नहीं मैडम, 40। 40 रुपए तो नहीं मिलेंगे, किसान को 2 रुपए देते हो और खुद 40, 30 मिलेंगे। भाई साहब बाजार में प्याज नहीं है। अच्छा है, बहुत प्याज है हमें पता है, 30 में दीजिए। हाँ 30 में दीजिए, लीजिए। अरे नैतिक, ये गीला प्याज है, सड़ जाएगा। अच्छा भाई साहब, औरत का काम औरत पे ही छोड़ दीजिए और आप दफ्तर संभालिए। जल्दी कीजिए, आज बहुत देर तक सोते रह गए छोटी, शाम हो गई है। ए? चाय नहीं बनी अब तक? धनिया चाय? हाय मुरी भैया, हमें तो सुबह से सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिली है। धनिया, सविता सुबह से सारा काम कर रही है और तुझे दो काम करके सांस लेने की फुर्सत नहीं है? अब जरा देख तो कितना तेज हाथ चलता है उसका, बिल्कुल मशीन की तरह। कम से कम शाम की चाय तो रख देती, माँ आती होंगी। बड़ी माँ, सारा काम तो हमने ही किया है, सविता तो सारे समय। चाय नाश्ता तैयार है, गरम गरम पकौड़े बने हैं, आइए। जय माँ जगदम्बा। आए बोर आ रही है पेड़ों पे और फसलें उग रही हैं खेतों में, प्रकृति अपने तौर पे चली जावे है, कुछ ना होगा थारे करने से।
अब बोलो झूठ है के? बिल्कुल चौकी बात कही शंकरी। जय मां जगदम्बा सेठानी। जय मां जगदम्बा। आइए विराजी शंकरी ताई। ठीक हो ना सेठानी? क्या बात है शंकरी ताई, आज बड़ी खुश लग रही है। आए खुश क्यों ना हो, थारी बिटिया के ससुराल से खुश खबरी लाई हूँ। अच्छा, रश्मि का रिश्ता पक्का हो रहा है। अब वो छोरे वाले तिलक की तारीख दे देंगे तो रस्म भी हो जाएगी। अच्छा, अरे वाह। बड़ी बहू ऐसा करो, तुम और छोटी बहू उनके घर जाकर बधाई दे आओ। जी माँ। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पहले रिश्ते को लेकर हमारे मन में कोई मनमुटाव है। बिल्कुल सही माँ, तो हम आज ही चले जाते हैं और खूब सारी मिठाई लेकर जाएंगे। जी दीदी, और आम का मीठा अचार भी लेके जाएंगे, अक्षरा को मेरे हाथ का बना अचार बहुत पसंद है। इस सब में मारा मुँह मीठा करवाना ना भूल जाना। इतनी अच्छी खबर लाई हूँ। जे कौन है? शंकरी ताई, ये सविता है। भोला धनिया जब गाँव गए थे ना तो उन्हीं दिनों आई। ला दे शरबत, लाई दे। लड्डू धर दे। अब देखना, देखते देखते कितनी जल्दी ब्याह भी हो जाएगा रश्मि का। हाँ वाव नैतिक, आप तो बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर लेते हैं। मुझे भी मेरी ये क्वालिटी के बारे में पता नहीं था, आलू प्याज मैंने खरीदे जो नहीं। लेकिन कुछ भी कहिए, आलू प्याज के भाव पे बहस करते हुए आप बहुत ही क्यूट लग रहे थे। वो बेचारा भी आपकी बातों के चक्कर में आ गया। सच? और कब क्यूट लगता हूँ मैं? मेरी बातों के चक्कर में तो आपको भी आती नहीं है। अरे संभाल के, आप ही ना। नैतिक ऐसे ही पास रहिए ना। बहुत बहुत बधाई, सुनकर बहुत खुशी हुई। भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा जी। अक्षरा कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है, सबको बहुत पसंद आया, सब बहुत खुश है जी। बिराजिए ना। हाँ बिराजी, बैठी। अब ये है मीठा अचार। हाँ। सबको पसंद है ना और सब कुशल मंगल? हाँ सब कुशल। जी अक्षरा दिखाई नहीं दे रही। बहू बाजार गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। महाशिवरात्रि आ रही है ना तो थोड़ी खरीदारी करने, साड़ियां वगैरह। अच्छा अच्छा, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं गाजी बहन, बैठिए ना, चाय रहने दीजिए, बैठ के बातें करते हैं। नहीं दो मिनट लगेंगे। अरे लीजिए। वर्षा की तबीयत तो ठीक है ना? जी ठीक है बिल्कुल। मैं भी गायत्री बहन के पास रसोई में जाती हूँ, इसे भी रख दूँ। राजी मटर की कचौरी भी जल्दी से बना दीजिए। बना देंगे। नहीं नहीं गायत्री बहन, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये मीठा चार, ज्यादा कुछ मत कीजिएगा गायत्री बहन, वैसे भी आज खाना कुछ ज्यादा खा लिया है। कुछ मत कीजिएगा महाराज जी। ये दूसरा चूल्हा पहले तो नहीं था ना यहाँ पर? नहीं, रश्मि को देखने आए थे ना तो इतनी ज्यादा तैयारी करनी थी कि
दूसरा चूल्हा लगवा लिया। तब से समय ही नहीं मिला कि रसोई पहले जैसी कर दे। जी जी वो तो है, काम बहुत हो जाता है। आइए राजमन बाहर बैठते हैं, चाय तैयार है। नंदिनी को नींबू का अचार बहुत पसंद है। अच्छा हाँ हाँ चाय। लीजिए जी, आपके होने वाली जमाई की तस्वीर नहीं दिखाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे कमरे में रखिए। जालिया बहुत अच्छा लड़का है। सब कुछ ले लिया? मैं फोटो लेकर आई। अक्षरा जमाई साहब आ गए। माँ खुश है? काकी राधे कृष्ण। खूब खरीदारी करके आ रही है? आप लोग कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले ही। कब से सोच रहे थे तुम्हें आके बधाई दे। लगता है जमैसा ने खूब खरीदारी करवाई। वो ड्राइवर नहीं था ना, इसलिए मैं ले गया था। आप लोग आइए ना बैठिए। हाँ मैं ये किचन में रख के आती हूँ। हाँ हाँ बेटा जा। लगी तो नहीं? अब ठीक है, उठिए उठिए। हाँ ठीक हूँ। दिखा दो बेटा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं माँ, बस थोड़ा टकरा गई इससे। बहू सब अंदर रख दे। जाओ बहू। जी मैं रखवा देती हूँ। घर का सामान भी लेने गए थे? लाइजो पैसा दे दीजिए। कोई बात नहीं, दे दीजिए, रखवा देती हूँ। आराम से बैठो। कराए हैं इसे कहीं संभाल के रख दे, वहां जगह खाली वहां रख दे। हाँ माँ मैं रख देती हूँ। वर्षा कैसी है? वर्षा बिल्कुल ठीक है। बेटा ये सब्जियां ना धो के साफ करके रखना, और हाँ मसाला डब्बों में भर दूँ? नहीं नहीं माँ मैं भर दूंगी, आप बैठिए ना। बेटा ये कितना सारा घर का सामान ले आई है। गायत्री बहन तो कह रही थी कि तू साड़ियां लेने गई है। नहीं वो दरअसल महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैंने सोचा मैं ही लेकर आ जाती हूँ। अच्छा माँ आप बैठी ना, मैं भी अभी बाहर ही आ रही हूँ। नहीं नहीं बेटा तू ये सब संभाल ले, फिर दोनों साथ चल के बैठते। बेटा एक बात कहूं? जी। ये चूल्हा यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, इसे वहीं पर साथ में रख दो ना।
वो माँ ये चूल्हा दरअसल माँ ने निकलवाया है। महाशिवरात्रि आ रही है ना, तो घर में बहुत काम रहता है, बहुत लोग आते हैं, इतना सारा प्रसाद भी बनता है, तो माँ ने कल ही निकलवाया, इसीलिए। सच सच बता, बात क्या है? ये दूसरा चूल्हा महाशिवरात्रि के लिए रखा है? और क्या माँ? हाँ समझ में नहीं आ रहा, बहुत अजीब सा लग रहा है। गायत्री बहन कुछ और कह रही थी और तू कुछ और कह रही है। गायत्री बहन कह रही थी कि तू साड़ियां खरीदने गई है, लेकिन तू तो घर का सामान लेकर आ रही है। वो कह रही थी कि ये चूल्हा रश्मि को देखने के लिए लड़के वाले आए थे, इसलिए रखा है। और तू कह रही है कि महाशिवरात्रि के लिए। देख बेटा, मुझे सच सच बता, बात क्या है? अपनी माँ से कुछ मत छुपा, ये सब क्या है? माँ, अक्षरा, माँ वो क्या है कि राजश्री बहन लड़के की तस्वीर देखना चाहती थी। बंटवारा हो गया? ये कैसे हो सकता है? बेटा तूने रोका नहीं, तुझे ये नहीं होने देना चाहिए था। बहुत रोका मैंने माँ, कितने भी, लेकिन जी किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। इतनी बड़ी बात हो गई और हमें पता तक नहीं है। मैं तेरे बहुची को बताऊंगी, वो तो ये समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। नहीं माँ, बहुची को कुछ मत बताइए, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हैं? घर में बंटवारा, दादाजी नाराज है, ये सब उन्हें पता चलना जरूरी है। नहीं माँ, नहीं, आप बाऊजी को कुछ नहीं बताएंगी, प्लीज। राजश्री बहन, जी जी, आप लड़के की तस्वीर देखना चाहती थी ना? जी, देखिए। कैसा लगा? जी बहुत अच्छा है, बिल्कुल राजकुमार लग रहा है। पता नहीं क्यों देखा देखा सा लग रहा है। अभी से कुछ अपना अपना सा लग रहा है। बहुत हंसमुख है लड़का, हम तो बस एक बार मिले हैं, लेकिन अपना ही लगा। जी आइए ना, बाहर बैठते हैं। जी वो मैं जरा हाथ धो लूँ ये। मुझे लगता है कि मुझे गायत्री बहन से पूछना चाहिए, आखिर गलती तो हमसे ही हुई है ना? नहीं, मैं कुछ मत बोलिए किसी से, प्लीज। देखिए दत्ता जी हमसे बहुत नाराज हैं, उन्हें पहले ही बहुत बुरा लगा है। देखिए नैतिक है ना, सब संभाल लेंगे। आप अभी बाहर चलिए, सब राह देख रहे होंगे।
चंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।